दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे, हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एरे के हेल्प से। देखो हमारे पास बेसिकली एक क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को एरे के हेल्प से। जैसे देखो हमारे पास कुछ फंक्शन दिया गया है, पुश टू, फिर पुश, फिर पॉप, पुश पॉप। आपको पता है कि जो स्टैक है उसमें पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन ओ ऑफ वन में होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, देखो पुश टू है तो पहले टू को पुश कर देना है, फिर थ्री को, फिर पॉप है तो थ्री को रिमूव कर देना है। तो थ्री को रिमूव करना है तो हमारा आउटपुट में एक थ्री आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा पुश फोर है तो फोर को पुश कर देना है, फिर पॉप करना है तो हमारा पॉप फोर हो जाएगा, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, थ्री और फोर। तो बेसिकली हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका से। अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमें क्या है, पुश टू। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, जैसे स्टैक है पुश टू तो क्या हो जाएगा, टू इसमें आ जाएगा, फिर पुश थ्री तो थ्री इसमें आ जाएगा। पॉप, जैसे मैं पॉप करूंगा तो क्या होता है, स्टैक में जो टॉप का एलिमेंट होता है वो बाहर निकलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, पॉप हो गया, ठीक है। फिर पुश फोर तो ऊपर आ जाएगा, फिर पॉप, जैसे पॉप करूंगा तो क्या होगा, जो टॉप का एलिमेंट होता है वो हमारा पॉप हो जाता है, वो हमारा बाहर आ जाता है, तो फोर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्री और फोर, मतलब थ्री और फोर को हमने पॉप कर लिया। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, स्टैक को इम्प्लीमेंट तो करना है लेकिन एरे के हेल्प से, एरे के हेल्प से, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मैं क्या करूँगा। पहले इसको ले लूँगा इरेजर और इसको इरेज कर देता हूँ, सारा का सारा मैं क्या करूँगा, इरेज। अब ध्यान समझो, अब ध्यान समझो, देखो क्या है पुश, पुश मतलब क्या, उसमें डालना। तो मैं कब डाल सकता हूँ, मैं कब डाल सकता हूँ, तो अगर स्टैक मुझे इंप्लीमेंट करना है, स्टैक इंप्लीमेंट करना है, सपोज करो इसका साइज कितना है, इसका साइज है टू और इसमें पहले से एक दो, इसमें दो एलिमेंट है, तो अगर पुश मैं टू कर रहा हूँ टू, तो क्या इसमें डाला सकता है। ध्यान समझो, ध्यान समझना है, हमारे पास क्या है, एक स्टैक है, स्टैक जिसमें पहले से दो एलिमेंट है और इसका साइज टू है, कि मतलब मैक्सिमम दो एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। तो अगर मैं पुश टू करूंगा, पुश टू, तो क्या इसमें जो टू एलिमेंट है मैं इसमें इंटर कर पाऊंगा, नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि यार इसका साइज पहले से फुल है, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इसका साइज पहले से फुल है, और पहले से फुल है तो मैं इसमें डाल ही नहीं सकता। तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, पहले मैं क्या चेक करूंगा कि क्या जो स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक का साइज फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पॉप करना पड़ेगा तब तो मैं पुश कर सकता हूँ, राइट। तो पहले मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि क्या जो स्टैक है इसमें जगह खाली है कि नहीं, इसकी कैपेसिटी खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। सपोज करो इसमें एक एलिमेंट है सिर्फ दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पुश टू कर सकता हूँ। तो मैंने सपोज कर लो खाली था तो मैं क्या करूँगा, टू कर लूँगा। फिर पुश थ्री, जैसे मैं पुश थ्री करूँगा तो क्या करूँगा, चेक करूँगा कैसे कैपेसिटी है, हाँ है, तो मैं थ्री को डाल दूंगा। और जैसे मैं पॉप करूँगा, पॉप तो उसे क्या होगा, पॉप करूँगा तो क्या होगा, थ्री निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि क्या जो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। सपोज करो यहाँ स्टैक जो एस टी है वो एम्प्टी है और फिर मैं पॉप कर रहा हूँ पॉप, तो एम्प्टी स्टैक में से क्या मैं पॉप कर सकता हूँ। सपोज करो, सपोज करो कोई स्टैक है या फिर कोई कंटेनर है जिसमें एक भी टॉफी नहीं है, जिसमें टॉफी है ही नहीं, और मैं बोल रहा हूँ यार उस कंटेनर से टॉफी निकालो, तो क्या आप टॉफी निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर इसमें तो टॉफी है ही नहीं, जब टॉफी है ही नहीं तो मैं निकालूंगा क्या, मैं कैसे निकालूंगा। तो आप बोलोगे सर पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा पॉप करने से पहले कि क्या जो हमारा स्टैक है एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी रहेगा तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो पहले मैं कंडीशन चेक कर लूंगा क्या स्टैक इम्प्टी तो नहीं है, अगर इम्प्टी है तो -1 रिटर्न कर दूंगा, अगर इम्प्टी नहीं है इसमें पहले से कोई एलिमेंट है और फिर मैं पॉप कर रहा हूँ तो जो टॉप के एलिमेंट है उसको मैं क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको लिख सकते हैं। देखो कोई भी स्टैक अगर एलिमेंट को मुझे पुश करना है, पुश अगर पुश करना है तो मैं क्या करूँगा, कैपेसिटी तो चेक करूंगा ही और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दूंगा कि जब मैं एलिमेंट एरे में डाल रहा हूँ तो एक एरे का एलिमेंट मतलब एक कैपेसिटी इसका बढ़ गया, टॉप प्लस प्लस जो इसका कैपेसिटी है, जो पॉइंटर आपको देखने को मिलेगा कोड में, ठीक है। और दूसरा मैं क्या करूंगा, फंक्शन टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। मैं क्या चेक करूंगा, क्या जो टॉप है मतलब जो हमारा पॉइंटर है, जो टॉप नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1, -1 तो नहीं है मतलब एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी रहेगा तो अब हमें क्या करना है, -1 रिटर्न कर देना है, सिंपल। अगर एम्प्टी नहीं है तब मुझे क्या करना है, आंसर में एरिया ऑफ टॉप को स्टोर कर लेना है और टॉप के साइज को घटा देना है और फिर आंसर को रिटर्न कर देना है। टॉप के साइज क्यों घटाना है, क्योंकि देखो अगर यहाँ टू है, यहाँ थ्री है और एक एलिमेंट को अगर मैं भगा रहा हूँ, इसमें से हटा रहा हूँ, तो इसका साइज तो कम हो जाएगा ना, तो टॉप के साइज को घटा दो
और आंसर में एरे के टॉप को स्टोर कर दो। एरे ऑफ टॉप को क्या करना है, स्टोर कर देना है। स्टोर मतलब क्या, जैसे देखो आंसर एरे का टॉप वाले क्या है, सपोज कर लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एरे का टॉप क्या है 2, तो 2 का आंसर रख दिए। अब मैं क्या किया, इसका साइज घटा दिया। जैसे मैंने साइज घटाया, जैसे साइज घट गया, एक एलिमेंट बच गया। अब मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर, आंसर में क्या है 2, मतलब 2 हमारा पॉप हो गया, तो 2 हमारा क्या हुआ पॉप। तो ऐसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो ऑपरेशन होगा किस में होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में हो जाएगा, राइट। और सेम टू सेम यही चीज़ आपको जावा में देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ डिफाइन किया गया है, हमने इसमें क्लास को नहीं रखा है, टॉप हमारा एक वेरिएबल है, राइट। तो अगर टॉप -1 प्लस इनिशियलाइज है, पुश कैसे करूँगा, पुश कैसे करूँगा, इंक्रीजिंग द टॉप पॉइंटर एंड पुशिंग द इंटीजर एट दैट पोजिशन, ठीक है। टॉप को बढ़ा दूंगा कि एक एलिमेंट इसमें आ गया है, और फिर टॉप को मैक्स पोजिशन पर रख के इसमें डाल दूंगा। पॉप कैसे करूंगा, चेक करूंगा क्या जो टॉप -1 तो नहीं है, अगर -1 है मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो उस केस में -1 को रिटर्न में कर दूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा टॉप को स्टोर कर लूंगा, और 2 रिटर्न में एरे ऑफ मैक्स 2 रिटर्न जो इंटीजर है, जो टॉप है, उसको रख लूंगा, और टॉप में से एक वैल्यू हटा दूंगा, टॉप कर दूंगा माइनस माइनस। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट को घटाना है, जब एक एलिमेंट को मैं यहाँ से घटा रहा हूँ तो माइनस में कर रहा हूँ ना, और फिर से मैं 2 रिटर्न को कर दूंगा क्या, रिटर्न कर दूंगा। तो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इन केस नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करें और फिर से देखें, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप DSA काफ़ी अच्छा से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस लिंक पर जाकर इस ई बुक को ले लेना है, जो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया गया है, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपको प्लेसमेंट दिलाने में, राइट। क्योंकि सारा का सारा चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं और जल्दी पढ़ सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं नहीं यार, मुझे जो DSA है ये वीडियो के थ्रू ही समझ में आता है, नोट्स मुझे समझ में आता ही नहीं है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं जो GFG का कोर्स है। आप देख पा रहे होंगे कि 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और अगर आप Trilogy10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप GFG के किसी भी कोर्सेज पर अगर आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर लो, बहुत सारे लोग वहाँ भी ज्वाइन हैं। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको कोड रन करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारा C++ का कोड, जो मैंने आपको बताया है सेम टू सेम वही कोड है। मैं क्या करूँगा, सिंपली कर दूंगा सबमिट पर क्लिक। देखो स्टैक में 2 ऑपरेशन हमें इंप्लीमेंट करना था, पुश और पॉप। पुश के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट को पुश करना है, तो उसके पॉइंटर को बढ़ा देना है कि एक एलिमेंट इसमें बढ़ गया। पॉप में क्या करना है, एलिमेंट को अगर मैं किसी एलिमेंट को पॉप कर रहा हूँ तो पॉइंटर को घटा देना है कि एक एलिमेंट इसमें घट गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, जावा कोड आपको दिखाऊंगा, ये हमारा जावा का कोड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपने से ट्राई रन करना जैसे मैं करके दिखाया हूँ, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप ज़्यादा दिन तक इसको रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो नए नए चैनल पर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियोज के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।